हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है राजमा, तो आइए बनाते हैं राजमा। राजमा बनाने के लिए हमने ये राजमा लिए हैं, ये हमने 3-4 घंटे भिगो दिए थे राजमा, और ये हमने 1 गिलास राजमा लिए हैं, और ये हमने मसाले लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये जीरा, और ये हमने बड़ी इलायची ली है, और 4 लौंग ली हैं और हींग ली है, ये बारीक चॉपर किया हुआ लहसुन लिया है, और ये पिसा हुआ प्याज लिया है, ये हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया था, और ये हमने 4 टमाटर लिए हैं। तो आइए, एक प्रेशर कुकर लिया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम राजमा को उबालेंगे नहीं, हम सीधा ही डायरेक्ट ही इसे तड़का लगा देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम हींग और ये लौंग और इलायची डाल देंगे, फिर हम ये जीरा डाल देंगे, इसके बाद हम ये लहसुन बारीक किया हुआ डाल देंगे और इसे भून लेंगे। हम प्याज डाल देंगे, ये हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम ये अपने मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ये पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये हमारा मसाला अच्छे से भून ना जाए और ऑयल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे भूनना है मसाले को। ये हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसे हम 1-2 मिनट तक और भूनेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब हम ये इसमें भीगे हुए राजमा डाल देंगे। इसमें और पानी डाल देंगे। और इसमें हम 5 विसल लगाने के बाद स्लो गैस पे रख देंगे। 5 मिसल आने के बाद कुकर में 5 मिसल आ चुकी हैं, अब हम गैस को सिम कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। ये हमने 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे छोड़ रखे थे राजमा बनने के लिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब विशल निकलने का इंतजार करेंगे। ये हमारे कुकर की विशल निकल चुकी है, अब हम राजमा को चेक करेंगे। ये हमारे राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, अब इसमें सर्व करेंगे। ये हमारे राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें
और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।